वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जो कि है रेशम क्लासेस। और दोस्तों आज के इस पूरे वीडियो में आपको बहुत सारी खबरें पता चलेगी। इग्नू के तरफ से लेटेस्ट अपडेट अभी निकल के आई है। और दोस्तों आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यही मिलेगी आपको आपकी हर समस्या का समाधान। और उसी के साथ आप अपनी परीक्षाएँ कैसे दें, प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर बिल्कुल फ्री असाइनमेंट के साथ, और आपके जो भी सवाल होते हैं उनके यहाँ पे पूरे पूरे जवाब दिए जाते हैं। आपके ऑन डिमांड पे यहाँ पे आपको मिलता है आपका नोट्स, यानी नोट्स का डिस्कशन भी। तो दोस्तों प्लीज़ इस पूरे इस चैनल को आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी के साथ प्लेलिस्ट में आपको मिलेंगे आपके कोर्स से रिलेटेड काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन। और हमसे जुड़ जाइए हमारी इंस्टा आईडी पे, जो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है। इसी के साथ हमारे अनदर चैनल पे भी ज़रूर विजिट कीजिए, जो कि आरवी की एडवाइस। क्योंकि अब आप अगर कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं तो क्या आप नाबालिग से शादी कर सकते हैं, क्या नए चेंजेस हुए हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और उसी के साथ लेटेस्ट जो भी खबरें निकल के आती हैं उसके लिए, तो बहुत सारी चीज़ें आपको इससे पता चलेगी आपकी लाइफ और डेली लाइफ से। तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और इग्नू की तरफ से एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। दोस्तों आपको बता दूँ कि इग्नू ने अपने डेट शीट का लिंक जारी कर दिया है, यानी खुल गया खुल गया खुल गया, आपके डेट शीट का लिंक खुल गया। दिसंबर एग्जामिनेशन को लेकर बहुत बड़ी अपडेट है। दोस्तों आपको बता दूं कि दिसंबर एग्जामिनेशन को लेकर आपके मन में जितने भी सवाल है उसका यहाँ पे पूरा पूरा जवाब मिलेगा। लेकिन उससे पहले बता दूं कि आपका यहाँ पे डेट शीट पूरी की पूरी तरह से आ चुका है, आपका डेट शीट यहाँ पे आ चुका है, आप देख रहे हैं आपका डेट शीट। तो कैसे, किस दिन होगी आपकी परीक्षा, और क्या आपकी परीक्षा ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी, कोर्स वाइज, उसकी भी जानकारी आपको पूरी वीडियो में मिलेगी। लेकिन उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ आपको बता दूँ। दोस्तों इग्नू की तरफ से बहुत सारे लिंक आपको जानने को मिलेंगे ऑफिशियल वेबसाइट में। सबसे पहले हम बात करें सितंबर परीक्षा वालों के लिए। सितंबर एग्जामिनेशन वाले भी ये बात ध्यान से सुन लें कि अगर आपका कोर्स आपके सब्जेक्ट में बैक पेपर लग गया है, अगर आप फेल हो चुके हैं, तो 31 दिसंबर तक आपका यहाँ पे क्लियर रिजल्ट आ जाएगा। अभी आपको बता दूँ कि यहाँ पे इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से जब आप इस लिंक पर जाते हो प्री डिक्लेयर रिजल्ट, तब आपको क्या मिलता है, तब आप जैसे ही लॉगिन करते हो तो आप लॉगिन करने के साथ ही, सपोज़ आपने लॉगिन किया तो लॉगिन करने के साथ ही आपका एनरोलमेंट नंबर में ऐसा कुछ नज़र आता है, यानी कि आपका जो नंबर है वो नहीं पाया जा रहा और रिज़ल्ट अभी डिक्लेयर होना बाकी है। तो आप इसके लिए टेंशन ना लें, 31 अक्टूबर तक आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा हर एक सब्जेक्ट को लेकर। और आप जल्दी से फॉर्म भरते हैं अगर आपका किसी पेपर में बैक है। दोस्तों फॉर्म भरने की आखिरी तारीख वो 10 नवंबर तक की है, तो 10 नवंबर तक आप फॉर्म भर लेंगे तो फिर दिसंबर एग्जामिनेशन में आप जो है एग्जामिनेशन दे सकते हैं। इसीलिए बिना लेट फी के आप 10 नवंबर तक इजीली अपना जो एग्ज़ाम फॉर्म जमा कर सकते हैं। दोस्तों उसी के साथ आपको बता दूं कि यहाँ भी और बहुत सारे लिंक आपको नज़र आ रहे होंगे ऑनलाइन सबमिशन, जिन्होंने अभी तक नहीं किया है प्लीज़ कर लीजिए दिसंबर एग्जामिनेशंस के लिए। और इसी के साथ एक अनाउंसमेंट है यहाँ पे, बहुत सारे लोगों को नहीं पता, यहाँ पे अपलोडिंग करने की यानी प्रैक्टिकल गाइडलाइंस यहाँ पर जारी की गई MPCL की तरफ से। ये सारे सब्जेक्ट्स हैं उनके जो गाइडलाइन जारी की गई है आपको कैसे अपलोड करना है। और अगली बात, क्या अगले वीडियो में आपको पता चलेगा कि दिसंबर के एग्जामिनेशन की जो प्रैक्टिकल डेट शीट है वो भी आ गई है, और कब और कब आपको प्रैक्टिकल अपनी एग्जामिनेशन देने हैं उसके बारे में पूरी डिटेल आपको अगली वीडियो में पता चलेगी। और अब आपको असाइनमेंट जो है वो जमा करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, यानी अब बिना असाइनमेंट के ही इग्नू आपको आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाएगा, तो उसके बारे में डिटेल पता चलेगी। लेकिन कम टू दिस वीडियो और इस टॉपिक पे आते हैं, और सबसे पहले आपको बताते हैं कि इग्नू यूनिवर्सिटी की तरफ से आपका डेट शीट, यानी कि इग्नू के एग्जामिनेशन की, इग्नू के एग्जामिनेशन में जो दिसंबर में बैठने वाले कैंडिडेट है वो कौन है, वो है आपके दिसंबर यानी कि जून में जिन्होंने फॉर्म भरा था वो, और फाइनल ईयर वाले। तो इससे रिलेटेड यहाँ पे देखिए डेट शीट आ चुकी है, डेट शीट की ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। इग्नू अपने एग्जामिनेशन के टेंटेटिव डेट्स जारी कर देता है, और यहाँ पे देखिए जून 2020 के टर्म एंड एग्जामिनेशंस के लिए ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू यहाँ पर आपका डेट शीट जो आ चुका है। अब यह डेट शीट की बात करें तो कैसे आप चेक करेंगे अपना डेट शीट, सिंपली आप अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करके आप यहाँ पर डेट शीट देख सकते हो।
जैसे यहाँ पे बीए का प्रोग्राम सिलेक्टेड है, तो बैचलर ऑफ आर्ट्स के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके देखिए यहाँ पे कोर्स वाइज हर एक का डेट यहाँ पे अनाउंसमेंट हो चुकी है। जी हाँ, ये खबर आपको कहीं नहीं मिलेगी, डेट यहाँ पे अनाउंसमेंट हो चुकी है। आपको बता दूँ 1 दिसंबर से आपकी परीक्षा यहाँ पे शुरू है, 1 दिसंबर से परीक्षाएं शुरू है। और देखिए यहाँ आपको बता दूँ कि जिनका भी प्रैक्टिकल है, ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है ना, इनके डेट्स यहाँ पे अनाउंसमेंट नहीं है, यानी आपकी जो प्रैक्टिकल है वो पहले ही ली जाएगी, क्योंकि आपका रिजल्ट जल्दी से डिक्लेयर करना है, इस वजह से प्रैक्टिकल पहले ही होगी। दोस्तों आपको बता दूं, देखिए यहाँ पे डेट एग्जामिनेशन जो चलेगी पूरे दिसंबर तक ये एग्जामिनेशन होने वाली है, और जनवरी तक आपका रिजल्ट जो है वो जारी कर दिया जाएगा। डेट शीट के बारे में हम देख लीजिए, डेट शीट 1 दिसंबर से यहाँ पे एग्जामिनेशन शुरू होगी, 2 सिटिंग पे इवनिंग और मॉर्निंग, ये 2 सिटिंग पे आपकी परीक्षा होगी। और इसी के साथ आपको बता दूं कि टाइम टेबल जो मॉर्निंग का होता है वो 9 बजे से भी हो सकती है या फिर 8:30 से भी टाइमिंग हो सकती है, लेकिन डेट आपको बता दूँ ये डेट आ चुकी है, लेकिन टाइमिंग फाइनली ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएगी तो फिर मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगी, लेकिन 1 तारीख से यहाँ पे है। अब हम बात करते हैं अदर कोर्सेज की, आप सिलेक्ट कोर्स सिलेक्ट करके भी यहाँ से जाके पहुँच सकते हो। सपोज़ मैंने ये कोर्स सिलेक्ट किया, उसके बाद ये आपने यहाँ से कोर्स सिलेक्ट किया, आप कोई भी कोर्स यहाँ से ले सकते हो। अगर हम यहाँ पे कोर्स लेते हैं बीएजी का, देन यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो देखिए बीएजी के कोर्सेज जो भी हैं उनके भी एग्जामिनेशन की डेट यहाँ पे पब्लिश हो चुकी है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको अपडेट रहना ज़रूरी है। तो आपको इसके लिए हमारे रेशम क्लासेस के बेल आइकन को ज़रूर हिट करना चाहिए और आप यहाँ से लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पा सकते हैं दोस्तों। उसी के साथ आपको बता दूँ कि अगर इसके बाद आपका क्या होगा, कब आपके इसके लिए एडमिट कार्ड आएंगे, तो एडमिट कार्ड के बारे में नॉलेज आपको दे देती हूँ कि इसके बाद क्या होगा। आप यहाँ से अपने डेट सबसे पहले चेक कर लीजिए, उसके बाद हॉल टिकट इशू होने की डेट जब होती है वो क्लियरली मेंशन होती है 7 दिन पहले ही, यानी आपका 7 दिन पहले ही आपका डेट शीट आ जाएगा और इसका प्रिंट आउट आप करके और उसके बाद ही आप एग्जामिनेशन में बैठ सकते हो। और इसी के साथ आपको बता दूँ कि इस बार दिसंबर एग्जामिनेशन में आपको बहुत चीज़ और करनी होगी, आपको और एक एक्स्ट्रा फॉर्म भी भरना होगा, उसके बारे में भी आपको बता दूंगी। लेकिन इससे पहले आपको बता दूं कि अगर आपका डेट शीट में कोई, यानी आपके एडमिट कार्ड में कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप जो है 7 दिन के अंदर ही आप उससे यानी उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे छात्रों के लिए बताया गया है कि आपका छात्र नोट कर ले कि अनुपयोगी अप्रत्याशित परिस्थिति के कारण परीक्षा केंद्र में लास्ट टाइम पे आपका सेंटर चेंज नहीं हो सकता, तो प्लीज़ आप इसके लिए नोट डाउन कीजिए। और जो स्टूडेंट्स यानी जून में जिन्होंने फॉर्म भरा था वो अपना अगर स्टडी सेंटर चेंज यानी एग्ज़ाम सेंटर चेंज करना चाहते हैं, तो आप जल्दी से यहाँ पर सिर्फ परीक्षा पर क्लिक करके यहाँ से आप जो है रीजनल सेंटर देख लीजिए कि आपका रीजनल सेंटर कौन सा आता है, और क्लिक करने के बाद ही आप यहाँ से चेक करके अपने जो एग्जामिनेशन फॉर्म में एडिट कर सकते हैं। एडिट करने के लिए सबसे पहले आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद अब आप कहाँ से लॉगिन करेंगे, तो परीक्षा फॉर्म में बताया गया है देखिए इस घोषणा में कि स्थिति के लिए जाँच करें अगर आप पहले से ही रजिस्टर्ड हैं। तो अगर आप पहले से ही रजिस्टर्ड है तो यू हैव टू क्लिक सिंपली ऑन दिस लिंक, आपको इस लिंक पर क्लिक करना होगा, अपना नामांकन संख्या यहाँ पर फिल करना होगा, या फिर और आपको यहाँ अपना डेट यानी डेट ऑफ बर्थ आपको फिल करनी होगी, देन आप क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको पता चल जाएगी कि आपने अपना रजिस्टर करवाया है या नहीं, अगर आपने रजिस्टर करवाया तो आपको सारी अपडेट पता चल जाएगी। और जो प्रीवियस स्टूडेंट है, जून वाले स्टूडेंट्स, यहाँ से भी जाके अपना लॉगिन करके एनरोलमेंट नंबर के साथ लॉगिन करके अपनी जो है स्टेटस को चेक कर सकते हैं। स्टेटस चेक कर लीजिए, उसी के साथ अपनी जो यहाँ पे अपने एग्जामिनेशन की डेट भी चेक कर लीजिए, ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से अपना डेट आप चेक कीजिए। अगर आप नहीं चाहते तो इग्नू का ऑफिशियल वेबसाइट पे आके आप अपनी जो है अपना डाउनलोड कर सकते हैं अपना एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सिंपली आपको इस लिंक में जाना होगा, एडमिट कार्ड के पोर्टल पर जाना होगा, डाउनलोड एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड जो यहाँ पर शो होगा, एडमिट कार्ड आप यहाँ से स्टूडेंट सपोर्ट पे जाके आप यहाँ पे रिजल्ट पे जाइएगा। जैसे ही रिजल्ट पे जाने के बाद आप यहाँ पे रिजल्ट पे भी चेक कर सकते हैं जो लेटेस्ट अनाउंसमेंट होती है। हॉल टिकट के बारे में भी आप जान सकते हैं, जब आपका हॉल टिकट आएगा, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे हॉल टिकट एडमिट कार्ड, तो देखिए यहाँ पे जून 2020 के लिए न्यू हॉल टिकट एडमिट कार्ड का यहाँ पे लिंक दिया गया है, तो इस लिंक के थ्रू आप यहाँ से कर सकते हैं। इस लिंक के थ्रू
आप यहाँ पे लॉग इन करके अपना हॉल टिकट जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी हॉल टिकट 2020 फ्राइडे अक्टूबर 2020 यहाँ पे ये किया गया है। आप अपना इनरोलमेंट नंबर डाल के कोर्स सिलेक्ट करके अपना जो हॉल टिकट जो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो में बस इतना ही। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, जहाँ पे आपको बहुत सारी और नॉलेजेस पता चलेगी। और आपको बता दूँ, आपका एग्जामिनेशन से पहले प्रैक्टिकल होगा, ये अनाउंसमेंट इग्नू की तरफ से है। तो प्लीज़ इस चैनल के साथ ज़रूर बने रहिएगा। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी, नया हमने आपको बताया कुछ अपडेट, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें ईमानदारी से। और आप अपनी पढ़ाई जल्दी से जारी रखिए। देखिए दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स हमसे कह रहे थे कि हमें ऑनलाइन एग्जामिनेशन देना है, लेकिन आपको पता है, आप ट्राई कर सकते हो, आप इस चीज़ के बारे में कह सकते हैं, लेकिन इग्नू की तरफ से ही सारा कुछ है कि वो ऑनलाइन कराना चाहता है या ऑफलाइन। तो इस वजह से आप अपनी पढ़ाई तो जारी रखिए ही रखिए। और आपको तो मैंने बता दिया कि यहाँ एग्जामिनेशन की बात की जा रही है 1 दिसंबर से। डेट शीट हैज़ बीन रिलीज्ड और आप प्लीज़ डेट शीट चेक कर लो। उम्मीद करती हूँ आप हमारे चैनल के साथ आगे भी बने रहिएगी, जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है आपको जल्दी से जल्दी मिलती रहेगी। इसी तरह थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो एंड प्लीज़ विजिट माई अनदर चैनल, दैट इज़ आरोही के एडवाइस। उम्मीद करती हूँ आप इस चैनल पर कुछ अच्छा जानोगे। थैंक यू।